है रेडमी नोट 5 यार, इसका जो पैटर्न है बोल चुका है, इसको हम सिंपली हार्ड रिसेट करके इसका जो पैटर्न है वो रिमूव करने वाला है। देख सकते हैं मॉडल नंबर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको मोबाइल को ऑफ कर लेने का, पावर बटन पकड़ के कुछ इस तरीके से। और मोबाइल ऑफ होने के बाद ये जो पावर बटन और वॉल्यूम प्लस बटन को एक साथ में कुछ टाइम के लिए पकड़ के रखने का, देख सकते हैं अपन दिखा रहे हैं आपको। ये वीडियो को पूरा देखिए, आपका जो पैटर्न लॉक है या फ़ोन हैंग स्लो होता है तो सब कुछ रिमूव हो जाता है। तो रेडमी का लोगो आने के बाद पावर बटन को छोड़ने का, वॉल्यूम प्लस को पकड़ के रखने का, और पकड़ के रखने के बाद देख सकते हैं दूसरा एक इंटरफेस आ गया। इसमें आपको इसमें लेके आने का वाइप डाटा में, वो कैसे लेके आने का, आपको वॉल्यूम माइनस जो बटन है उसको प्रेस करने का और नीचे आ जाएगा। और उसके बाद एक बार पावर बटन से डाल देने का। और इसमें ये बोल रहे वाइप वॉल डाटा, यानी कि आपका जो डाटा है मोबाइल में, फ़ोटो वीडियो जो भी होगा मोबाइल के अंदर जो भी होगा डिलीट हो जाएगा, तो बोल रहे। तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं मोबाइल को फ़िलहाल ठीक करने का, तो पावर बटन क्लिक करने का और नीचे कन्फर्म लेके आने का माइनस बटन से, और एक बार पावर बटन को प्लस करने का। और कुछ मिनट के बाद देख सकते हैं दूसरा आ गया डाटा वाइज सक्सेसफुल हो गया। तो सिंपली आपको क्या करने का, ये पावर बटन को एक बार प्रेस करने का और एक बार प्रेस कर देने का रिबूट के ऑप्शन में, देख सकते हैं। और सिस्टम टू नहीं रिबूट टू सिस्टम, इसमें और एक बार पावर बटन क्लिक करने का। और आपको अभी कुछ टाइम लगेगा ऑन होने के लिए, तो आपको वेट करना पड़ेगा कुछ टाइम। मैं वेट कर लेता है, कुछ नहीं करने का, ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा मोबाइल। तो आपको लगभग 5 से 10 मिनट वेट करने का, कुछ नहीं करने का, ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। वेट कीजिए और वीडियो पे बने रहे। तो देख सकते हैं लगभग 5 से 10 मिनट लगा है इसको ऑन होने में, और अभी ऑन होके आया, और कुछ इस तरीके से ऑन होके आया। और आपको क्या करने का, आगे मोबाइल को ऑन करने के लिए ये तीर वाला आइकन में क्लिक करने का। और आपका जो लैंग्वेज वो इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करने का, जो कि पहले से ही सेलेक्ट है। और ये तीर वाला आइकन में क्लिक करने का, जिसमें राइट साइड पे आपको, और कंट्री इंडिया आपका अगर सेलेक्ट है तो कोई बात नहीं, आपका जो भी इंडिया कंट्री है वो सेलेक्ट करके नीचे तीर वाला आइकन में क्लिक करने का। दोबारा आपको तीर वाला आइकन में क्लिक करने का। और आपको इसमें क्लिक करने का स्किप नीचे सेंटर में, और स्किप क्लिक करने के बाद आपको इधर एक गोल आइकन दिखा होगा, इसमें टिक कर देने का, टच करके। टिक करने के बाद नीचे तीर वाला आइकन में क्लिक करने का, और आपको स्किप में क्लिक कर देने का, इसमें देख सकते हो। और ये तीर वाला इसमें क्लिक करने का राइट साइड पे, और आपको नीचे आने के बाद एक्सेप्ट में क्लिक करने का। नीचे आने के बाद आपको एक्सेप्ट में क्लिक करने का, इसमें देख सकते हो ये वाला बटन। और आपको बोल रहा है ये फिंगरप्रिंट लगाना चाहता है, ओनली स्क्रीन लॉक लगा सकता है। तो अपन को अभी कुछ नहीं लगाने का मोबाइल में लॉक, तो इसमें स्किप कर देने का और ये तीर वाला आइकन में क्लिक कर देने का। आपको इसमें से जो भी आपको पसंद है उसमें क्लिक करने का, इसमें भी क्लिक कर सकते हैं और इसमें भी क्लिक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, जो सेलेक्ट ये वाला है तो अपन तीर वाला इसमें क्लिक करेगा, और लास्ट में आपको ये तीर में क्लिक कर देगा। तो आपका जो है देख सकते हैं लोडिंग ऐप्स, यानी कि आपका मोबाइल का जो भी ऐप्स है वो लोड हो रहे हैं, और अभी फ़ोन ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं।
पर देख सकते हैं अपना मोबाइल जो है वो ओपन हो चुका है। तो अपन लॉक है के चेक करने के लिए उसको बंद किया और दोबारा चालू किया, देख सकते हैं अभी जो है लॉक नहीं है, कितना अच्छे तरीके से मोबाइल खुल गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर दोनों कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।